नाउ टुडे टॉपिक इज द रेड कॉटन बग, जिसको हम बोलते हैं डिसिट्रेकस सिंगुलेटस बोलते हैं. नाउ स्टार्ट दिस. द रेड कॉटन बग, इसकी क्लास होती है, मीन्स इसका जो अरेंजमेंट है उसमें देखते हैं. क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है हेमीपेट्रा, फैमिली है पायरोकोरिडिया. डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर इन इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश, बिहार के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर एंड तमिलनाडु के अंदर. होस्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो कॉटन इज़ द मेन होस्ट प्लांट होता है इसका. द अल्टरनेट होस्ट होते हैं जैसे कि लेडी फिंगर होती है, लेडी फिंगर है, होली होते हैं एक्सेट्रा. जनरल अपीरेंस की अगर हम बात करें तो द बग इज़ अबाउट, जो ये रेड कॉटन बग होता है ये करीबन 16 mm इसकी लेंथ होती है, रेड कलर का होता है. इसके बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जो कि हमने देखा था ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, मार्क होते हैं, और ब्लैक स्पॉट्स के मार्क होते हैं फॉरविंग्स के ऊपर होते हैं, इसके बैंड के बैंड एंड वाइट एब्डोमन में होते हैं. जो कॉलर होता है इसका वो वाइट कलर का पाया जाता है, जो इसका कॉलर होता है वो वाइट कलर का होता है. इसके अंदर पायरेसिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है. पायरेसिंग मीन्स इसका मतलब होता है इसके अंदर कटिंग एंड चविंग टाइप का माउथ, कटिंग एंड चविंग टाइप का, इसके अंदर कटिंग एंड चविंग टाइप का माउथ पार्ट होता है जो इसको हेल्प करवाता है, मतलब प्लांट को फीड करने में. ये इंसेक्ट की अगर हम बात करें हैबिट की तो इसकी कैसी आदत होती है. दिस इंसेक्ट एक्टिव होता है ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर. दिस इंसेक्ट एक्टिव होता है ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर, इसलिए इसको डाई यूरिनल भी बोला जाता है. डाई यूरिनल होता है जो डे के टाइम में एक्टिव होता है. दे हैव पायरेसिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है. ये दिस पेस्ट जो होता है वो फीड करता है ग्रे ग्रेसली, मीन्स ये जो पेस्ट होता है ये ग्रे ग्रेसली फीडर होता है. इसका ग्रे ग्रेसली फीडर का मतलब होता है ये जो इंसेक्ट होते हैं ये हर्बी वोरस होते हैं. हर्बी वोरस का मतलब होता है ये प्लांट को ही फीड, मीन्स ग्रीन प्लांट को ही खाने वाले होते हैं, और ये सक करते हैं सेल सैप ऑफ द प्लांट को, और सक करते हैं सेल सैप ऑफ प्लांट को और बोल को भी सक करते हैं. लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो रेड कॉटन बग जो होता है वो ब्रीड करते हैं करीबन अगस्त टू नवंबर के अंदर. रेड कॉटन बग जो होते हैं ये ब्रीड करते हैं अगस्त नवंबर के अंदर. दे आर द हाइबरनेट, और फिर ये विंटर के अंदर क्या कर जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं. एग की बात करें तो फीमेल जो होती है वो ले करती है एग को ग्राउंड के अंदर. हमने पीछे पढ़ा था कि जो फीमेल होती है वो ले करती है एग को, मतलब लीफ के ऊपर, लीफ के सरफेस पे, उसके डोर्सल साइड पे. पर इस कंडीशन में जो फीमेल होती है वो ले करती है एग को, करीबन 17 to 18 एग को ले करती है. क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं. कहाँ पे होते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर होता है, मीन्स ग्राउंड के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर ये सॉइल को देती है, नमी वाली सॉइल के अंदर देती है. एग जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, येलो कलर के होते हैं. इसके एग स्फेरिकल होते हैं, मीन्स इसके जो एग होते हैं वो ऐसे स्फेरिकल होते हैं, येलो कलर के होते हैं. 1.2 mm इसकी लेंथ जो है वो पाई जाती है. नेक्स्ट आती है निम्फ. आफ्टर इंक्यूबेशन 7 डे के बाद जो एग होता है वो हैच हो जाता है 1 mm लॉन्ग रेड कलर के निम्फ के अंदर. रेड कलर के निम्फ के अंदर निम्फ की स्टेज होती है कि इसके स्टेज के अंदर द निम्फ जो होता है वो बिल्कुल अडल्ट के जैसा ही दिखता है. बट कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर जो विंग्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, या ये बोले कि जो विंग्स होती हैं वो अनडेवलप्ड होती हैं, मीन्स विंग जो होती हैं वो डेवलप्ड नहीं होती, विंग जो होती हैं वो अनडेवलप्ड होती हैं. और इसका जो मतलब करीबन 42 से 49 डे के बाद ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, मीन्स इसके इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन की होती है, 7 डे की इंक्यूबेशन पीरियड होती है. 70 to 18 एग ले करती है फीमेल मोइस्ट सॉइल के अंदर. एग स्फेरिकल होते हैं, येलो कलर के होते हैं, 1.2 mm लेंथ होती है. आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद 7 डे के बाद एग हैच होते हैं, तो उसमें से एक, मतलब 1 mm का, 1 mm लॉन्ग एक हमें रेड कलर का निम्फ दिखाई देता है. निम्फ का कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड कलर ही होता है, अडल्ट का भी रेड कलर होता है, बट उसमें जो स्पॉट्स होते हैं ब्लैक स्पॉट वो अपीयर हो जाते हैं. निम्फ जो होता है वो बिल्कुल अडल्ट के जैसा होता है, बट उसमें विंग्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, विंग्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाती, बाद में डेवलप होती है. करीबन 42 to 49 डे के बाद वो अडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. अब हम बात करते हैं अडल्ट, अडल्ट की बात करें तो निम्फ जो होता है वो किसके अंदर चेंज होगा, आगे जाके अडल्ट के अंदर. अडल्ट जो है उसके अंदर क्या कंडीशन है कि उसके अंदर विंग्स जो होंगी वो डेवलप हो जाएंगी. लाइफ स्पैन जो होता है अडल्ट का वो 3 मंथ का होता है.
ठीक है। अब आती है डैमेज, द मेन केस जो डैमेज होता है वो निम्फ के कारण होता है, और निम्फ अडल्ट के कारण होता है, निम्फ के कारण होता है। ये क्या करते हैं, सक करते हैं सेल सैप को विद द हेल्प ऑफ पायरेसिंग माउथ पार्ट के कारण। जो बोल होता है ये किसको खाते हैं, बोल जो होता है आर ऑल्सो स्टेन, ये बोल को भी खाते हैं। बोल के ऊपर मतलब ऐसा जो बोल होता है उसके ऊपर हमें ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं, उसके कारण क्या होता है कि जो लिंट होती है, लिंट होता है जिसको हम बोलते हैं, जो रुई होती है ना ऐसे, मतलब ये सीड होता है इसके चारों तरफ जो ऐसे रुई लिपटी हुई होती है, वो उसकी क्वालिटी जो होती है पुअर हो जाती है। सो लिंट क्वालिटी जो होती है वो पुअर हो जाती है, और सीड के अंदर जो ऑयल की एक्सट्रैक्ट होती है, सॉइल के अंदर जो मीन्स इसके सीड के अंदर जो ऑयल की एक्सट्रैक्ट होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करें इसके कंट्रोल के बारे में, तो इंसेक्ट को हमें काफ्ट करना चाहिए मैन्युअली, मतलब इंसेक्ट को हमें पकड़ के मार देना चाहिए। द फील्ड को हमें अच्छे से प्लाव करवा देना चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो एग जो है किल हो जाए आफ्टर, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद, जब हम कॉटन की क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद। इन्फेक्टेड जो प्लांट होता है उनको हमें सेक कर देना चाहिए वाटर से, और उन इंसेक्ट को किल कर देना चाहिए, मतलब स्प्रे करवाना चाहिए 1% एंडोसल्फोन जो होता है उसका हमें स्प्रे करवाना चाहिए। लाइफ साइकिल को अगर हम एक बार फिर से देखें, इसके एग कुछ इस प्रकार से होते हैं, ग्राउंड मतलब सॉइल के अंदर होते हैं, एग जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, येलो कलर के होते हैं और सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। फिर ये आगे जाके मतलब करीबन 7 डे के बाद कितने एग का ग्रुप होता है, 18 एग जो होते हैं वो पाए जाते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। एग जो होता है वो आगे जाके निम्फ के अंदर चेंज होगा, निम्फ जो होता है वो कलर में कैसा होता है, रेड ही कलर में होता है, बट इसके अंदर जो विंग्स होती है ना वो नहीं होती, विंग्स जो होती है वो अनडेवलप होती हैं, विंग्स नहीं पाई जाती। करीबन 42 डेज के बाद, करीबन मतलब 40 से या 42-49 डेज के बाद ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अडल्ट में यहाँ पे मतलब इसमें ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं फोर विंग्स के ऊपर, इसका जो एब्डोमन पार्ट है फोर विंग्स के ऊपर ये ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ये कॉलर वाला पार्ट होता है यहाँ पे जिसमें वाइट कलर होता है, जो कि दिखाया हुआ नहीं है पर वाइट कलर कॉलर जो होता है वो वाइट कलर का होता है। इसके अंदर जो माउथ पार्ट होता है वो ग्रे ग्रे फीडर होता है, ये पायरेसिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, और ये ग्रे ग्रेसली क्या करता है, फीड करता है। तो ये हमारे पास थी लाइफ साइकिल थी रेड कॉटन बग की, अडल्ट जो है वो करीबन 3 मंथ तक लाइव करता है। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।